You are watching Divyang News Channel. मेरा नाम सैनी रितेश है और मैं डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट ऑफ इंडिया से यहाँ पर पढ़ चुका हूँ पूरे कॉलेज तक. मेरा स्टोरी है सबसे पहले कि यहाँ पर मैं दसवीं में दूसरे स्कूल में पढ़ता था मैं, तो वहाँ पे एक मेरा फ्रेंड था राजू नाम का, तो उसने मुझे बताया था कि रितेश अपने जैसे लोग वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं. तो मुझे ये बात पता चला था कि उस टाइम से, तो वहाँ से मैंने यहाँ से कांटेक्ट लिया कांटेक्ट नंबर करके. तो फर्स्ट टाइम आया था यहाँ पर सर लोग थे काफ़ी, मुझे लगा कि यहाँ पर कुछ हो नहीं सकता मेरा, कि मैं बहुत डर गया था कि हो पाएगा कि नहीं, मेरा एडमिशन होगा कि नहीं. उस टाइम से धीरे धीरे तो सर ने मेरा एडमिशन हो, मतलब वहाँ पर एडमिशन हो गया था. तो 11वीं में यहाँ पर जैसे पढ़ने लगा, तो बाद में पता चला कि सर लोग जितने लोग थे तो काफ़ी फ्रेंडली में रहते थे, बातचीत करते रहते थे, और यहाँ पर अच्छे से फैसिलिटी मिलता था मुझे. यहाँ पर जब आया तो मुझे लगा कि शायद अब पैसा भी देना पड़ेगा, बट यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट था, और साथ साथ में बस का अब इतना दूर से आना कि यहाँ से कम 13 या 14 किलोमीटर से आना जाना बहुत प्रॉब्लम पड़ता था. लेकिन उस टाइम से मुझे ये भी पता चला कि वहाँ पर बस का भी फैसिलिटी है, तो उस टाइम से मैं भी बस में फैसिलिटी लेने के लिए रेडी हो गया था. तो वहाँ से पता चला कि ठीक है. तो धीरे धीरे मुझे और पता चलने लगा कि यहाँ पर बैंक का हॉस्पिटल भी है, वहाँ पर भी जैसे ट्रीटमेंट वहाँ पर होता ही रहता है कि हर कुछ भी प्रॉब्लम पड़ेगा तो हो जाएगा एनी टाइम कुछ भी. और तभी भी हम लोग कभी भी बीमार भी पड़ जाते थे उस स्कूल में, तभी भी यहाँ के जो लोग थे तो डायरेक्ट बैंक का हॉस्पिटल में जाके दवा भी ले लेते थे, हम लोग ये भी कर देते थे. तो 11वीं में ऐसे ही हुआ, फिर उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर 11वीं जैसा कंप्लीट हुआ, तो वैसे कनु सर ने कुछ टाइम से बातचीत होने लगा कनु सर से हम लोगों का, कि सब बोल रहे थे कि यार मतलब कि आप लोगों का एक है ना, हम लोग ना BCA चालू करने वाले हैं. मैं तो उस टाइम बहुत खुश हो गया था, हाँ BCA चालू होने वाला है, हाँ मतलब कि 12वीं के बाद फिर से ग्रेजुएशन पूरा कम्प्लीट होगा. तो हम लोग बहुत खुश हो गए थे, हाँ चलो ठीक है. तो उस टाइम से जैसे सर ने वहाँ पर थामी थे ना, उस टाइम में ना जरूर उस टाइम हो चुका था कि BCA कंप्लीट चालू हो गया था. तो हम लोग 12वीं में आए थे, 12वीं में हम लोग काफ़ी सोचने लगे थे. कभी भी सर आते थे, सर से मैं तो एनी टाइम यही पूछता था कि सर अपने लाइफ में किस तरह से सक्सेस हुए थे. सर मुझे बताया था कि धीरे धीरे आपको लाइफ के सक्सेस के बारे में हर बार कनु सर का स्टोरी में पढ़ता रहता था, बातें करता रहता था कि क्या है कि कनु सर का लाइफ में क्या चला, कि शुरुआत से स्टार्टिंग में क्या क्या करने लगे कनु सर ने. धीरे धीरे मुझे पता चलने लगा, तब से मैंने अपने लाइफ में ये थाम लिया था कि मुझे ना अपने लाइफ में काफ़ी बेस्ट बनना है. इतना बेस्ट बनूंगा तो काफ़ी कि मैं अपनी जो दिव्यांग हो या समाज हो उसका काफ़ी चेंज करने के लिए मैंने थाम लिया था. तो उसके बाद मैं कॉलेज में आया, कॉलेज में अच्छा सा फैसिलिटी मिला. तो वहाँ पर कॉलेज में आया था तो मुझे बहुत प्रॉब्लम पड़ता था कि यार आना जाना, तो एक काम करता था, तो मैं कनु सर से बोला था सर मुझे आने जाने का बहुत प्रॉब्लम पड़ रहा है, तो मैं क्या करूँ उसके लिए. तो कनु सर ने बोले बेटा एक काम करो, यहाँ पर हॉस्टल भी है आपके लिए, एनी टाइम कभी भी आओगे आपके लिए यहाँ पर रह सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा. मैं हूँ अभी तक, जब तक मैं अपने लाइफ में रहूँगा ना तब तक तुम लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा. तब से हाँ उस टाइम मुझे बहुत अच्छा लगा था कनु सर ने ऐसा बोले थे, कि काफ़ी इम्प्रेस हो गया था मैं, हाँ चलो ठीक है कनु सर तो साथ तो दे रहे. तो कॉलेज में भी था मैं यहाँ पर, फिर कॉलेज के मुझे लगता था कि अलग बहुत सारे कॉलेज में अलग अलग फैकल्टी रहते थे, वहाँ पर कुछ पता नहीं चलता था कि वहाँ पर बहुत रैंकिंग ये सब कुछ होता रहता था. लेकिन यहाँ पर पता चला कि जो सर लोग होते हैं एकदम फ्रेंडली में रहते हैं, कि अच्छी तरीके से बात करते रहते हैं, कभी भी कुछ प्रॉब्लम होता था मस्ती में भी जैसे स्टडी करवाते थे काफ़ी इम्प्रूव हो जाता था, पूरा याद हो जाता था. और कॉलेज के लाइफ जैसा था काफ़ी बेस्ट था मेरे लाइफ के लिए, कि मुझे अभी भी मिस करता हूँ अपनी कॉलेज का, कि हाँ कि अपने कॉलेज के बारे में. तो उसके बाद जैसे मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो सर से मैंने एक बार राय लिया था कि सर मैं अपने लाइफ में क्या करना चाहता हूँ. सर ने बोला कि तू ऐसा कुछ कर कि अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा रहे. तब से मैंने एक ही बात में जाना हो कि सर ने एक अनुसार यही बोले थे कि उनका एक ही रूल्स मुझे फॉलो किया रहता है कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत. ये बात मुझे है ना हमेशा के लिए याद हो गया, हाँ आज तक मैं ये बात कभी भूला नहीं हूँ कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत. कि जब भी मन के हारे हार करेंगे तो अपना हमेशा के लिए मन के हारे हार ही हो जाएगा. उस टाइम से मैंने थाम लिया था, हाँ चलो ठीक है नहीं मेरे को मन के जीतना जीतना ही है. तो किसी तरीके से मैं आज इस मुकाम पे हूँ और मैं UPSC का तैयारी कर रहा हूँ. कभी भी सोचता हूँ नेगेटिव सोचता हूँ, लेकिन कभी भी स्टोरी ये पढ़ के यहाँ के ये बारे में सोच के हाँ कि मेरे को लाइफ में कुछ करना है और काफ़ी मैं बेटर अपने लाइफ में करना चाहता हूँ और करूँगा,